bye yeah. सर कांग्रेस के प्रदेश सचिव हैं महाराष्ट्र के और कोकण के अध्यक्ष हैं आज पत्रकार परिषद रखे अल्पसंख्याक के तरफ से और कलेक्टर को निवेदन देने वाला उसका ओजे क्या है सर देखिए आज जागतिक अल्पसंख्यक हक दिवस है जिसे हम माइनॉरिटी राइट डे जो सारी दुनिया में मनाया जाता है उसके दिन के तहत आज के दिन अपने हुकूकों के लिए हम जिला अधिकारी साहब को निवेदन दे रहे हैं पिछले कुछ सालों में हमने देखा है जब से भाजपा इस सत्ता में आई है तो अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है उनकी सरपस्ती में चलने वाली संस्था उनकी तंजीम और उनके नेताओं द्वारा लोगों को उकसाकर कर अल्पसंख्यक समाज के चाहे वो मुस्लिम समाज हो बौद्ध समाज हो या क्रिश्चियन समाज हो या फिर सिख समाज हो इन वर्गों को टारगेट कर उनकी हत्याएं की जा रही है और हत्यारों को उकसाया जा रहा है उन्हें प्रोत्साहन किया जा रहा है उन्हें सम्मानित किया जा रहा है जिससे ये प्रभाव दिन पर दिन बढ़ रहा है सर एक कहना है कि महाविकास सरकारी आगाड़ी में आप भी हैं इस सरकार में और जो कि अलग को हर एक निधि योजना के अंतर्गत दिया गया लेकिन उनके तक नहीं अभी तक पहुंचा है लेकिन आपने कलेक्टर के निवेदन देंगे तो उसमें क्या समाधान होने वाला है देखिए हमें अपेक्षा है महाराष्ट्र राज्य सरकार से हमें पूरी अपेक्षा है ये सरकार को कांग्रेस सरकार ने कांग्रेस ने कांग्रेस पार्टी ने जो समर्थन दिया है वो केवल कॉमन मिनिमम एजेंडे के प्रोग्राम के तहत ही दिया है कि समान किमान कार्यक्रम किए जाए अल्पसंख्यक समाज हो बहुजन समाज हो तमाम पिछड़ा वर्ग हो कुचले हुए लोग हो उन्हें मूल धारा में लाने के लिए जो प्रावधान है सरकार करना चाहिए उसी को ध्यान में रखकर हमने आज महाविकास आगाड़ी को समर्थन दिया था सर केंद्र सरकार ने जो पीएम पीएम आवास योजना के अंतर्गत और जो भी संघर्ष के बारे में हर विकास हर स्टेट हर राज्य हर केंद्र के विकास के लिए बारे में कहा उसके बारे में क्या कहना आप तो सामने ही देखे हैं कि उत्तर प्रदेश में जितने फॉर्म भरा हुआ है कैंसिल हो गया लेकिन तैतीस से कम लोगों को ही मिला है बहरूपी है बहरूपी समझते है ना सिर्फ जुमलेबाजी कर झूठे कर, आश्वासन देकर लोगों को सपना दिखाकर अच्छे दिनों का ये लोगों को ठगाया इसने आज हमारी आंखें खुल रही है पूरे देश की जनता की आंखें खुल रही है किस प्रकार उन्होंने लोगों को ठगाया है पंद्रह पंद्रह लाख देने के वादे किए अच्छे दिन की बात कही लोगों को रोजगार दो करोड़ युवाओं को रोजगार देने की बात कही मगर आज सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो इनके शासनकाल में बढ़ी है और यहां तक के जब आपातकालीन स्थिति थी जब क्या नाम है ये महामारी में लोगों को अपेक्षा थी कि उन्हें बेहतर सुविधा मिलेगी उन्हें इलाज मिलेगा उन्हें ऑक्सीजन मिलेगा मगर यह सरकार कोई भी ऑक्सीजन कोई भी चीज उनको मुहैया कराने में नाकाम हो गई ये इनके पास नीति ही नहीं है योजना ही नहीं है और ये किसी को पूछते भी नहीं है ये जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है ये आपस में तय कर कर ही अपनी चीजें तानाशाही की इन पर लादते हैं लोगों पर सर पंद्रह अगस्त के शुभ अवसर पर जिसमें कि बीजेपी के प्रथम प्रधानमंत्री ने लाल किले से आह्वान किया था कि बेटी को जो भी शादी आप कराएंगे इक्कीस साल में दोनों की मेजोरिटी होना चाहिए तो उसके बारे में क्या कहना है आपका ये बेहद बेतुका जो सोच है इनकी तो एक काल में चौदह पंद्रह साल की वायु में बेटियों की शादी की जाती थी मगर बुद्धिजीवियों ने जो हमारे बुजुर्ग थे जो हमारे बुद्धिजीवी थे उन्होंने एक बनाया कि के लड़के के उम्र 21 साल और लड़की की उम्र 18 साल ये बिल्कुल सही है ये बिल्कुल सही है और इसे कायम रखना चाहिए 21 साल का जो उन्होंने निर्णय लिया है वो बेहद गलत है हम उसका निषेध करते हैं उसका विरोध करते हैं और थाने जो कि आप देख रहे हैं रोड के हालत महाविकास सरकार के अंतर्गत में सब कुछ योजना के अंतर्गत में अभी तक रोड का काम पूरा नहीं हुआ जिसमें कि थाने महानगर पालिका के तरफ से अधिकारी बिल पास करते हैं और उस रोड पे चलते हैं उनको नहीं दिखाई देता है रोड का बारे में तो आप क्या कहेंगे उसके बारे में देखिए थाने महानगर पालिका में हमारे नगर सेवकों की संख्या बेहद कम है आज पिछले 25 साल से शिवसेना इस पर काबिज है जो मैं मानता हूँ कि जो नीति जो योजनाएं थाने के लिए थाना जिस प्रकार से आज सेंसेस में भी आप देखें तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर सेंसेस के अंदर पॉपुलेशन बढ़ा है पूरे भारत देश में तो वो थाना जिला है सबसे ज़्यादा सेंसेस आज घोड़बंदर पूरा जो जंगल था वो पूरा के पूरा भर गया है मुमरा शील आगे तक पूरा थाना का जो हद हैं वो भर चुकी है हो चुकी है और लोगों का आवे जावी ज़्यादा हो गई है ये मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया है आज बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ आ गए हैं बड़ी बड़ी कंपनियाँ आ गई है मॉल आ गए हैं विवियाना जैसे मॉल आ गए हैं सड़कें भी अच्छी हो रही है कुछ स्टेट के माध्यम से कुछ कॉरपोरेशन के माध्यम से आगे जो बड़े प्रश्न हैं वो है डंपिंग का दूसरा है क्या नाम है पानी का कि खुद का पानी हमारा धरण होना चाहिए ये सब मुहिदा महानगर पालिका का आज बड़ा बजट है उन्होंने सोचना चाहिए और गंभीरता से थाना के लोगों के विषय में काम करना चाहिए दूसरा माध्यम थाने जिला अधिकारी को जो हम निवेदन दे रहे हैं उससे हम अपने निवेदन में मांग करते हैं कि पं प्रधान पंद्रह कलमी कार्यक्रम है जिसको जिस जो क्या नाम है बिल्कुल भी उसके ऊपर कोई अमल बजावनी नहीं हो रही उस पर अमल बजावनी होनी चाहिए और अल्पसंख्यक जो कल्याण समिति है उसकी हर माह दर माह उसकी बैठक होनी चाहिए ताकि अल्पसंख्यकों को उसका हक पहुँच सके कुछ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के योजना अंतर्गत जिसमें कि कल्याण विकास की के तरफ से आया था सर तो उसके बारे में अमल बजोनी नहीं और उसके बारे में क्या मैं तो कह रहा हूँ ना केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं सारे देश में केवल महाराष्ट्र ने हर राज्यों के लिए ये इन्होंने सिर्फ देखा हुआ किया है उन्होंने बेटियों से उन्हें कोई मतलब नहीं आज यूपी के अंदर भले ही इलेक्शन है मगर एक हिम्मत हमारी आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने की है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बेटियों को 40 फीसदी टिकट देने की बात कही है तो बेटियों के लिए पहले भी आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी हो और इंदिरा गांधी जी हो हमने दिखा दिया है बेटियों को ताकत देकर उन्हें सत्ता देकर परसों सोलह डिसंबर था एक यादगार दिवस था जो रियल पेट्रोज क्या होता है उस पाकिस्तान को धूल चटा के रख दी थी इंदिरा जी के नेतृत्व में कि बेटी क्या कर सकती है वो बेटी के रूप में क्या नाम इंदिरा जी ने महा प्रधानमंत्री हमारी जो सारी दुनिया में जिनका लोहा मानते थे आयरन लेडी के रूप में जिन्हें माना जाता था उन्होंने दिखा दिया कि बेटी क्या कर सकती है मगर नीति तो उस तरह की बने सर कांग्रेस के राज में जो गैस सिलेंडर का कीमत 444 रुपया था आज बढ़ के 2000 तो रुपया और वह है उसके बारे में रसोई के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे किचन के देखिए ये ये जो आम आदमी का बजट ये जो रसोई गैस के ऊपर आम आदमी के बजट पे डाका डालने का चाहे पेट्रोल हो डीजल हो या रसोई गैस हो ये आम आदमी आदमी के जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है जैसा कि मैंने कहा कि भाजपा की नीति हमेशा से पूंजीपतियों को ताकत देना यानी कि आम आदमी की जेब पर डाका मारकर लूटना और पूंजीपतियों की जेब भरना ये काम भाजपा सरकार ने किया है इसका तो निषेध करते हैं पेट्रोल जीएसटी को क्यों नहीं लागू हो रहा है ये मेरे को बताएंगे आप देखिए सारी चीज़ें नियम और उसके अनुसार होती है अभी जो टैक्सेस जो ज़्यादा से ज़्यादा केंद्र सरकार ने लगाए हैं उसे कम करना चाहिए आज क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहद कम है उसके बावजूद भी क्या नाम ये सरकार ज्यादा से ज्यादा उस पर टैक्स लगाकर जनता की मैंने जैसा कहा जनता की जेब पर डाका मार रही है ही ये डाका मार रही है रंगा बल बिल्ला की जो जोड़ी जो है ये हर आम आदमी के खीफे में डाका मार रही है और विशेष आज के दिन जिसके लिए आज की मेरी बैठक है मैं हाथ जोड़ के आपके चैनल के माध्यम से तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ

जी मेरा यही कहना है कि जब भी चुनाव की परिस्थितियाँ आती है तो इनके हमले भी तेज हो जाते हैं जैसे कि पिछले दिन कुछ दो तीन दिन पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने बेहद बेतुकी और शर्मनाक बात कही उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज को लेकर कि छत्रपति शिवाजी महाराज केवल हिंदू और केवल उनके ही बल्कि जिस जैसे कि अपना उन्होंने उसके ऊपर अपनी ये छोटा कर दिया है जबकि छत्रपति शिवाजी महाराज दैवते महाराष्ट्र के उनके साथ में कितनी जातियां क्या मुस्लिम नहीं थे उनके साथ में छत्रपति शिवाजी महाराज सर्वधर्म थे तो ये जो लोग हैं जो मेरा तो कहना है कि महापुरुष या संत हो या महंत हो या अवतार हो या पैगंबर हो ये केवल एक समाज के नहीं ये सारे जग के लिए आते हैं और सारे जग को अपनी प्रेरणा और उद्धार करके जाते हैं तो उन्हें छोटा ना कीजिए महानगर पालिका के तो चुनाव के टाइम में कांग्रेस देखिए आगाड़ी की अभी तक कोई संदेश नहीं है कोई और कोई हमें दिख भी ना नहीं रहा क्योंकि महानगर पालिका में जैसे कि हमारे जो प्रांत के अध्यक्ष है नाना भाऊ पटोले उन्होंने एकला चलो का नारा दिया है उसी के तहत थाना कांग्रेस हमारी काम कर रही है हम सौ बल पे इलेक्शन लड़ने की पूरी पूरी तैयारी कर रहे हैं बाकी निर्णय जो अगर वैसे बनेंगे जो प्रांत अध्यक्ष के जो वरिष्ठों के आदेश होंगे उस पर हम अमल करेंगे